हेलो स्टूडेंट्स, सॉयल एंड इट्स कंपोनेंट्स के पार्ट टू में आज अपन डिस्कस करेंगे सॉयल एयर के बारे में, सॉयल वाटर के बारे में और उसमें प्रेजेंट ह्यूमस के बारे में। सबसे पहले अपन लेते हैं सॉयल एयर। देयर आर स्पेसेस बिटवीन मिनरल पार्टिकल्स एज वेल एज बिटवीन एग्रीगेट्स ऑफ द सॉयल। हम सब जानते हैं जो मिनरल पार्टिकल्स होते हैं और सॉयल के जो एग्रीगेट्स हैं उनके बीच में स्पेसेस होती हैं। दीज स्पेसेस आर ऑक्यूपाइड इन एडिशन टू वेरियस लिक्विड्स बाय द गैसेस। और ये जो स्पेसेस होती हैं लिक्विड्स के साथ साथ गैसेस से भी ऑक्यूपाइड रहती हैं, विच मेक द एटमोसफियर ऑफ द सॉयल, जो कि सॉयल के एटमोसफियर को बनाती हैं। साइज एंड स्पेसेस डिफर इन डिफरेंट टेक्सचरल ग्रुप्स ऑफ सॉयल। और ये जो साइज होता है और ये स्पेस होता है, ये अलग अलग जो टेक्सचर होते हैं सॉयल के, उनके जो ग्रुप्स हैं उसमें अलग अलग डिफर करता है उनके साइज और स्पेस। और उसमें जो गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो है इन द सॉयल इज़ लेस एंड दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हायर इन सॉयल दैट दोज इन एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो लेस होती है और ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हायर इन द सॉयल, और जो अगर हम इसे एटमॉस्फेयर से कंपेयर करें तो वो हायर होती है। और एनारोबिक सॉयल सच एज़ वाटर लॉक सॉयल्स आर हाईली डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। जो एनारोबिक सॉयल होती हैं, जैसे वाटर लॉक सॉयल, जिसमें जिस तरह से अपन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर पानी है मिट्टी के अंदर, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है बिकॉज उनके जो स्पेस होते हैं उसके में पानी भर जाता है। ये जैसे अपन देख रहे हैं इस चार्ट के अंदर कंपोनेंट्स हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हम सॉयल एयर और एटमॉस्फेयर के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन जो है सॉयल एयर में 79.2% होता है और एटमॉस्फेयर में 79% होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो 20.6% और एटमॉस्फेयर में 20.9% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.25% होता है एयर में, और एटमॉस्फेयर में 0.3% होता है। अब हम लेते हैं सॉयल वाटर। सॉयल वाटर का जो प्रिंसिपल सोर्स है वो है रेनफॉल। और अगर हम सॉयल वाटर की बात करें तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ सॉयल वाटर। एक होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, एक होता है कैपिलरी वाटर, एक होता है ग्रेविटेशनल वाटर, कंबाइंड वाटर और पांचवा वाटर वेपर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है द वाटर दैट इज हेल्ड बाय द सॉयल पार्टिकल्स एंड मूव्स प्राइमरली इन द वेपर फॉर्म। कैपिलरी वाटर जो होता है, कैपिलरी वाटर इज हेल्ड इन द माइक्रोस्पोर्स ऑफ सॉयल। दिस वाटर इज रिटेन्ड ऑन द सॉयल पार्टिकल्स बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉयल पार्टिकल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर होता है ग्रेविटेशनल वाटर। सॉयल वाटर दैट विल ड्रेन फ्रीली फ्रॉम द सॉयल बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसको हम ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। कंबाइंड वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द केमिकल कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉयल, दिस इज़ नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स। कंबाइंड वाटर जो होता है वो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाता है। और पाँचवा है वाटर वेपर, अ गेन ऑफ वाटर इन द सॉयल सर्फेस लेयर नॉट कॉज बाय रेनफॉल और इरीगेशन कैन बी कॉज्ड बाय ड्यू डिपोजिशन और वेफर एड्सॉर्प्शन। ये डायग्राम देख रहे हैं अपन सॉयल वाटर सिस्टम का, जिसमें अपन देख रहे हैं रेन से पानी आता है, एंटर्स इनटू द ग्राउंड वाटर, और ये पूरा सॉयल वाटर है। इसका वाटर टेबल जो है अपन देख सकते हैं, इसमें प्रेसिपिटेशन है इसमें, और इवेपोट्रांसपिरेशन है फ्रॉम द प्लांट्स एंड देन प्रेसिपिटेशन, and we can see that the ground water this is all about the soil water system in the soil. Or water table jis tarah se apan dekh rahe hain surface ke niche, this is the water table. Next apan lete hain soil humus. Organic matter is the chief source of return of minerals to the soil. जो जिस तरह से प्लांट्स एब्जॉर्ब करते जाते हैं मिनरल्स को सॉयल में से, तो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो चीफ सोर्स होता है वापस मिनरल्स को सॉयल में, सॉयल को सॉयल में फुलफिल करने के लिए। और इट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम बिटवीन इनपुट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम प्राइमरली फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन एंड द डिग्रेडेटिव एंड रीसिंथेटिक प्रोसेस
एसोसिएटेड विद सॉयल ऑर्गेनिज्म. इन सॉयल इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सरफेस लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज माइक्रो एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉयल. ऑल डेड फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर फॉलन रिसेंटली टू द ग्राउंड इज ऑल्सो इज कॉल्ड अ लिटर. जो डेड और फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जो अभी अभी गिरा है ग्राउंड के ऊपर, वो फ्रेश होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द लिटर. द पार्शली डिकम्पोज लिटर इज कॉल्ड टफ. जो पार्शली डिकम्पोज होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकम्पोज होता जाता है सॉइल के अंदर, और जो फ्रेश होता है वो तो लिटर कहलाता है, और पार्शली डिकम्पोज जो ऑर्गेनिक मैटर है दैट इज़ कॉल्ड एज टफ. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस प्रोसेस चीफली एक्टिविटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल दिस ऑर्गेनिक मैटर इज ग्रॉसली मॉडिफाइड विच इज़ नाउ नोन एज ह्यूमस. और जो जो चीफ एक्टिविटीज़ होती हैं डफ के बाद, जो इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, और जो मॉडिफाई हो जाता है पूरा ऑर्गेनिक मैटर वेरियस प्रोसेसेस के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के, और अब उसको हम फाइनली बोलते हैं ह्यूमस. ये अपन डायग्राम देख सकते हैं ह्यूमस का. मिनरल्स जो हैं representing the soil humus. This figure is representing the soil humus. Now there are two types of your two forms of humus. Depending upon the nature of the parent matter, vegetation and climatic conditions, there are developed two types of humus: more humus and mull humus. More humus jo hai, also known as raw humus, isko hum raw humus bhi kehte hain. Formed at low pH पे बनता है ये. Moderate rain along with the nutrient deficient, well drained parent matter due to porcellation produced in more humus, earth forms are absent. ये जो होता है इसमें moderate rainfall से जो nutrient deficient होता है ये, और earth forms जो होते हैं इसमें absent होते हैं, और इसमें litter does not mix with mineral soil. इसमें जो होता है litter जो होता है mineral soil से mix नहीं होता है. ऑर्गेनिक मैटर accumulates इन द फॉर्म ऑफ पीट और मक. और ऑर्गेनिक मैटर जो होता है इट accumulates इन द फॉर्म ऑफ पीट और मक. देन नेक्स्ट इज द मल ह्यूमस. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउन फॉरेस्ट सॉयल एंड सम अदर मॉली सॉल्स ऑफ टेम्परेट क्लाइमेट्स. जैसे अपन ने अभी फिगर देखा था, डायग्राम देखा था, वो दैट इज़ द मल ह्यूमस. और ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये ब्राउन फॉरेस्ट सॉयल और सम अदर मॉली सॉल्स टेम्परेट क्लाइमेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी है कि इट इज़ फाइन टेक्स्चर्ड, न्यूट्रिएंट रिच, रॉक ब्रॉड लीव फॉरेस्ट कवर डेवलप्ड मल ह्यूमस फॉर्म. और ये जो होता है जो फॉरेस्ट कवर होता है वो दैट इज़ कवर्ड विद फाइन टेक्स्चर, न्यूट्रिएंट रिच, रॉक ब्रॉड लीव्स. और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका ये है कि इट इज़ माइक्रोबायोलॉजिकली रिच, सपोर्टिंग अ ग्रेट बैक्टीरियल एंड फंगल पॉपुलेशन. ये जो होता है मल ह्यूमस ये माइक्रोबायोलॉजिकली रिच होता है, जिसमें कई तरह के बैक्टीरियाज होते हैं और कई तरह की फंजाई की पॉपुलेशन पाई जाती है. लास्ट है इसका सॉयल ऑर्गेनिजम्स. बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका सॉयल ऑर्गेनिजम्स. ईच सॉयल हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्टिव फौना एंड फ्लोरा विच मेक द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द सॉयल कॉम्प्लेक्स. हर सॉयल के अंदर एक अपने डिस्टिंक्ट फौना होता है और फ्लोरा होता है, और वही क्या होता है एक सॉइल को स्पेशल बायोलॉजिकल सिस्टम बनाता है या सॉइल कॉम्प्लेक्स बनाता है. इसलिए अलग अलग तरह की जो सॉइल होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होती हैं, वो उसके फौना और फ्लोरा पे भी डिपेंड होती हैं कि उसमें क्या पाया जाता है, किस तरह के कौन से एरिया में कौन सी सॉइल है और उसमें किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं. और अमंग दीज ऑर्गेनिजम्स सम हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन. कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें वो सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. एंड अदर्स एज डिकम्पोजर्स, और दूसरे जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करते हैं, जो कि विच रिटर्न न्यूट्रिएंट्स बैक टू द एनवायरनमेंट, जो कि न्यूट्रिएंट्स को एनवायरनमेंट में वापस भेज देते हैं.
ये कुछ डायग्राम्स हैं, फिगर्स हैं सॉयल ऑर्गेनिजम्स की, जो अलग अलग तरह के सॉयल ऑर्गेनिजम्स इसमें पाए जाते हैं। पहला जैसे अपन देख रहे हैं ये एल्गी का है, जिसको हम प्लांटी कहते हैं। दूसरा भी आप देख रहे हैं, दीज आर द फिलामेंट्स ऑफ एल्गी विच आर फाउंड इन द सॉयल। देन वी कैन सी द सीडलिंग, सीडलिंग्स आप देख रहे हैं। देन रूट्स आप देख रहे हैं रूट्स के अंदर, और माइकोरिजा फंजाई जो होता है इसके अंदर, सीडलिंग के अंदर जिस तरह से अपन देख रहे हैं, और माइकोरिजा फंजाई जो है रूट्स के अंदर पाया जाता है, ये भी सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं। देन रूट नोड्यूल्स जिस तरह से आप देख रहे हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये नोड्यूल्स के अंदर पाया जाता है, जो नोड्यूल्स बनाता है, एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, और नाइट्रोजन को फिक्सेशन के काम आते हैं, अपन सब भी जानते हैं ये चीज़। फिर बैक्टीरिया है जिस तरह से अपन देख रहे हैं डायग्राम में, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। इसके अलावा प्रोटिस्ट हैं, देन निमेटोड्स हैं आप देख रहे हैं, बहुत कहते हैं स्पायरल निमेटोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें फिगर में। देन इज अर्थवर्म, अर्थवर्म जो होते हैं दे आर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स इन द सॉयल, विच इनकी जो है खाद भी बनाई जाती है। देन एनिलिडा जो अलग दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिलिडा हैं। देन स्पाइडर्स जो होते हैं वो भी होते हैं सॉइल के अंदर, माइट्स होते हैं। देन वी कैन सी मिलीपीड्स, वी कैन सी द मिलीपीड्स, दे आर ऑल्सो दे कॉज द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल, और क्या कहते हैं सॉइल को पोरस बनाते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। देन देयर इज द रोली पोली, दीज आर ऑल्सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट। एंड देन दीज आर द बेली लार्वी। देन इज द वीवल लार्वा, यू कैन सी दीज आर द काइंड ऑफ लार्वा। सो दीज आर सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल।